हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग बबलीज लाइफ ट्यूब। तो गाइस, यहाँ पे ना मैंने छील लिया है, यहाँ पे ना आपको लग रहा होगा कि और छीला हुआ देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, येलो एंड रेड, बहुत ही मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ जूस। जितना हो सके ना जूस, ये वैसे तो खा नहीं सकते, सिट्रिक फ्रूट जो है ना, एक खा लोगे दो नहीं खा पाएंगे, फिर एक भी पूरा नहीं खा पाते हैं। तो हम लोग ना ज़्यादातर जूस ही बनाते हैं इसका। तो अभी बस मैंने छील दिया है, छीलना सबसे मोटा काम है इसका, उसके बाद बनाना तो इजी है, तो वे इजी वाला काम निखिल को दे दिया मैंने। और उसके बाद ना मशीन धोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल हमारी मेड नहीं आएगी, तो बर्तन देख लो। तो गाइस, मैं एक चीज और दिखा देती हूँ लिए, ये वाली मशीन, और इसमें देखो टाइम भी दिखा रहा है। तो ये हैविल्स के है ना, हाँ, तो है ना, ये बहुत अच्छी है। तो गाइस, इससे है ना वार्म वाटर, हॉट वाटर और कोल्ड तीनों ही आते हैं। तो अभी सर्दी के अंदर है ना पानी लेके फिर नॉर्मल वाटर, हाँ, क्योंकि है ना पानी बार बार लेके फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा, फिर पीते हैं सर्दी में। तो यहाँ पे ना जैसा हम पीते हैं ना वैसा पानी आ जाए। और डायरेक्टली आप लोग ना इस पे ग्रीन टी भी डाल सकते हैं ना, डायरेक्ट पानी लो, डिप करो। तो ये बहुत ही अच्छी है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली मशीन, एकदम सही। और यहाँ पे निकाल रहे हैं निकल जूस, तो साफ है, वैसे मैंने साफ करके रखी थी, साफ नहीं है। तो गाइज, मुझे अभी इतने सारे बर्तन करने हैं, क्योंकि कल दीदी का कोई फेस्टिवल है, क्या है निखिल, कल तीजा है ना, तीजा नहीं छठ, छठ, हाँ सॉरी छठ है, हाँ। लेकिन ये वो वाली छठ नहीं है जो बिहार के यहाँ पे आती है, बिहार जो दिवाली के बाद छठ आती है वो नहीं है, ये छठ महापर्व वो नहीं। तो जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ होते है ना, वैसे इनका बच्चों का है कल, तो हाँ इनका कल तो बच्चों का है, फिर तीजा आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, छुट्टी ले लो दीदी आप, वैसे भी दीदी कम लेती। ज्यादा खट्टा नहीं होता ये, होता है ना। तो गाइस निखिल देखो, क्या ये जूस और ये साथ में बहुत गंदा लगेगा, मैं तो खा लूंगा, ये अच्छा है, मैं अभी नहीं, मेरा बाद में से कूंगी मैं, प्रोटीन और जूस साथ में। चलो मैं अपना जूस ले लेती हूँ, नैनू का रख देते हैं, नैनू आके पिएगा ना। तो गाइस बन गया है यम्मी सा जूस, ये देखो देखते हैं अभी मीठा है कैसा निकलेगा। हाँ थोड़ा खट्टा है लेकिन, और जूस में है ना ऊपर से मीठा डालते हैं तो बहुत गंदा लगता है, वैसे नहीं डालना चाहिए, थोड़ा खट्टा ही ठीक है। तो गाइस ठीक है, लेकिन थोड़ा खट्टा भी हेल्दी हेल्दी रहता है, पी लेना चाहिए, मुझे यम्मी यम्मी लग रहा है, बस सही है बिल्कुल, अच्छा है। भाई जो मेरा वन प्लस का फोन है ना, वो उसका बस लाइफ जो है ना वो ऐसी नहीं लगी कि मैं उससे इससे अब वीडियो बनाऊं। तो मैंने एक फोन लिया नया, निखिल काफी टाइम से बोल रहे थे कि ले लो, तो मुझे ना सैमसंग वगैरह के फोन तो उतना अच्छा नहीं लगा, हमारे पास सैमसंग था तो वो मैंने लिया नहीं। तो मैंने कल लिया है एक वीवो का फोन है, ये जो नया है V40, तो बहुत ही लुक वाइज इतना स्मार्ट है। तो क्या हुआ, कल हम जो लेने गए थे RO देखने गए थे क्रोमा में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी फ़ोन आए हुए थे, तो हम ऐसे ही देख रहे थे। इसके अंदर ग्रीन कलर रखा हुआ था उन्होंने डेमो के लिए, है ना, ब्लू था क्या, हाँ वो कलर भी ठीक है बॉयज़ के लिए, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा था ज़्यादा। तो उन्होंने कहा मैम इसमें पर्पल भी है, ग्रे भी है, तो मैंने ग्रे डिसाइड किया कि चलो ग्रे फिर भी अच्छा लगेगा, ब्लैक हर बार मैं लेती हूँ, और बोला कि लेकिन पर्पल भी अच्छा लगेगा, निकलेगा पर्पल देख लो। मेरे को लगा भैया दिखा दो, मैंने कहा, तो बोला नहीं नहीं पहले नहीं दिखाएंगे, पहले पेमेंट करो उसके बाद ही वो खुलेगा, और जब खुल जाएगा तो आपके पैसे लग जाएंगे, भले आप लो या मत लो। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़े, ऐसा पहले होता नहीं यार, इस यहीं पे क्रोमा में ही किया ऐसा, है ना, अगर मान लो खुलने के बाद वो फोन पसंद नहीं आया कलर, तो वो तो और भी गलत बात है ना। तो गाइज मेरे को ये खोलने के बाद मुझे सोचा कि भगवान पर्पल कैसा होगा, बिल्कुल बैंगन जैसा तो बहुत गंदा लगेगा, लेकिन वाकई में बहुत स्मार्ट है लुक वाइज। और इसका कवर भी, ये कवर लगाया है, कवर भी साथ में ही मिल रहा है, बहुत सुंदर फोन है अगर जिसको भी लेना है। और अभी मैंने यूज नहीं किया, मैं आज अपना सिम डालूंगी इसके अंदर, अभी कुछ नहीं है। ये तो कवर है और नीचे भी ऐसा ही है, मैट फिनिश में है, ये बहुत स्मार्ट, कोई भी लड़की लेना चाहे तो ले सकती है, ये वाला कलर लड़कियों को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है।
तो गाइज अभी है ना मैं बता दूंगी कौन आए थे। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है जिनका यहाँ पे 80 मार्ट है, उन्हीं भैया ने एक रेस्टोरेंट खोला है। तो नैनू को पर्सनली इनवाइट किया गया था उसके लिए। और उन पे विधायक आए थे क्या, एमपी आए थे उसके अंदर। तो हमारे नैनू को पर्सनली इनवाइट किया और उसके साथ हमें बोला गया था कि मैम आप लोग भी आइएगा। तो मैं निकल तो नहीं जा पाई क्योंकि बच्चों का था, तो उस दिन उसका सब फ्री था और नैनू ने कहा मामा आज तो मुझे पक्का ही जाना है। तो उस दिन उसका फ्री था खाने, तो हमने वहीं से ऑर्डर किया कि भैया को मैंने देख, उन्होंने बोला था कि एक बार टेस्ट करना जरूर कैसा लगेगा। तो मैंने वही मंगवाया है भैया से, तो उन्होंने डोसा ला के दिया है कि मैम एक बार टेस्ट जरूर करो आपको कैसा लगा। तो देखते हैं ट्राई करके कि कैसा रहेगा। अंदर जो भी चीज़ मिल जाती है ना तो बाहर अच्छा है, थोड़ा आने में टाइम लगता है ना, जब तक डोसा वगैरह है ना ये अच्छे नहीं लगते हैं, फिर ये बिल्कुल फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो भैया खुद आए देने के लिए। नैनू आते है ना, कौन सी हिस्ट्री बता रहा है नैनू, वो क्या दिख रहे हो आप अभी बताओ। सोलर बस में ना एक्चुअली वो लास्ट टाइम वहाँ पे भी आए थे। हाँ, प्रोफेसर सोलंकी हैं। हाँ, तो वो आए एनर्जी स्वराज यात्रा पे है। हाँ, तो उसमें मैंने वॉलंटियर भी किया, क्या तो जब हम मिले थे उनसे उसके बाद वो घर ही नहीं गए हैं। अभी 1.5 साल पहले मिले थे। वो बोले 11 साल तक और नहीं जाऊंगा। ओ माय गॉड, उनके बच्चे तो पूरे बड़े हुए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि देखो ग्लोबल। हाँ, तो वो यहाँ पे भी आए हुए हैं तो नैनू मिल गया है और उनका पूरा है ना उसी वैन के अंदर ही है सब कुछ। मतलब कैमरामैन और उनकी मतलब एक टीम भी है। हाँ, पूरा एकदम घर सा है उनकी वैन ने एकदम पूरा। तो नैनू यहाँ पे आपका डोसा आ गया है, तो लीजिए सर आइए ना। यस सर, यस सर। अब नैनू की 3 दिन की छुट्टी, वाओ। मेरे भी मौज नैनू के भी 3 दिन की छुट्टी। और गाइस मैं एक फनी चीज कर रहा हूं कि आप ना कपड़े खरीदना बंद करो, हो सके तो सब तक कपड़े ही नहीं खरीदो, मतलब बोले रिड्यूस करो, नए कपड़े नहीं खरीदो, नए कपड़े मत खरीदो जो वो इनको यूज करो। तो फिर उसमें जो मतलब मेन थे उन्होंने हाथ उठाया, बच्चों ने उठा लिया, लेकिन लेडीज ने ना उठाया नहीं उन्होंने। उनका हाँ मतलब सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना क्योंकि बेटा अगर कपड़े लेडीज बंद कर देंगे ना खरीदने तो मार्केट बंद ही हो जाएगी। उन्होंने यही कहा कि सब ऑयल कम है बहुत। देखते हैं कैसा है। तो ये नए रेस्टोरेंट का फर्स्ट हमारा ऑर्डर, ये देखो कितना मस्त। ये मेरा तो ऑरेंज कैसे है, मेरा ऑरेंज है, मेरे ऊपर ऊपर ऑयल आ गया, निकालो। तो गाइस मैंने खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, फिर अभी कितने सारे बर्तन किए निकले तो 2-4 प्लेट धोई थी, फिर बोले बस हो गया। तो मैंने ना सारे के सारे बर्तन धोए हैं और पूरा किचन इतना साफ किया है ना, देख लो बहुत ही अच्छा। सच में जिस दिन काम वाली दीदी आती नहीं है ना बहुत अच्छा लगता है। सच में कईयों को आती नहीं है तो बुरा लगता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी नहीं आए ना तो घर का पता लग जाता है कहाँ कहाँ गंदा कर रखा है। तो है ना इतना साफ लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा साफ लग रहा है एकदम। निखिल भी कहते हैं कि तुम जब काम करती हो ना, तो खैर ऐसे तो उनका तरीका है, लेकिन हाँ मैं करती हूँ तो वाकई में बर्तनों में स्मेल नहीं आती और थोड़ा साफ सुथरा करती हूँ ज्यादा। फाइनली किचन जो मैंने बहुत ही साफ किया है और यहाँ पे मैंने ना दही बना के रखा है जो सुबह सुबह तक बन जाएगा। तो ये देखो कितना साफ लग रहा है और ये मशीन तो इतना टाइम लगाना धोने में, इतना साफ लग रहा है। लेकिन हाँ है ऐसा, हम खुद ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं अपने घर पे। तो बस तो गाइस ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे हमारे किचन के साथ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।